तीसरे चरण के चुनाव में मतदान से पहले भाजपा के लिए झटका। तीसरे चरण की 95 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की आंधी, मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। जदोसा आपको बता दें कि देश में दो चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और इस दो चरण के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की आंधी चली। वहीं आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि उसको काफ़ी अच्छी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अब उसकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान से पहले ही अब इन तीसरे चरण के मतदान की सभी सीटों का सर्वे आ गया है। इस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी लगभग 80% सीटें हार रही है, जबकि बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर रहा है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान में 95 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ये वोटिंग 7 मई को होने वाली है। 7 मई में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को लगभग 60 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में लगभग 17 से 18 सीटें ही 95 लोकसभा सीटों में से जा रही है। यानी बीजेपी की साफ जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि 1352 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं। इस फेज में बीजेपी के 82 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो कांग्रेस पार्टी के 68 कैंडिडेट हैं। इसके अलावा बसपा के 80 और सपा के 9 उम्मीदवार हैं। 650 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो 404 अन्य दलों के कैंडिडेट हैं। आपको बताएं दोस्तों कि 82 प्रत्याशी बीजेपी ने जो उतारे हैं उनमें से मात्र 17 से 18 ही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ने 68 कैंडिडेट उतारे हैं। इनमें से 60 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। भैया आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लगभग 5 से 6 उम्मीदवार जीत रहे हैं। यानी आपको बता दें कि कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है वो तीसरे चरण में बाजी मार रहा है और बीजेपी तीसरे चरण में मुंह की खात भी दिख रही है। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी के नेता 400 पार का जो नारा दे रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह भी 400 पार का नारा दे रहे थे, अब बीजेपी ने दो चरणों के चुनाव मतदान को देखते हुए 400 का नारा देना भी खत्म कर दिया। यानी अब बीजेपी को उम्मीद दिखने लगी है कि वो 200 पार नहीं हो पाएगी, 400 के तो वो खाब ही छोड़ दे। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जो है चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है उसके आंकड़े जारी किए हैं। उसके आंकड़े एक हफ्ते के बाद जारी करने के बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सांठ गांठ का आरोप लगा दिया है और कह दिया है कि चुनाव आयोग ने 8 दिनों के मतदान होने के बाद आखिरकार चुनाव के नतीजे क्यों जारी किए कि कितनी प्रतिशत मतदान हुआ है, तभी क्यों जारी नहीं किए जब वोटिंग हुई थी। यानी अब चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है और बीजेपी से चुनाव आयोग की मिलीभगत है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी सहित विपक्ष के नेता ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं। यानी ईवीएम को लेकर भी भाजपा गिरी हुई है। आपको बताएं दोस्तों कि दो चरणों में जो मतदान हुआ है, उन दो चरणों के मतदान में कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा। यानी दो चरणों में कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसने काफ़ी अच्छी सीटें और मतदान अपने हिस्से में लिया है, जबकि बीजेपी का दो चरणों में हाल बुरा रहा है। और अब ये तीसरे चरण में बीजेपी का हाल फिर से बुरा होने वाला है और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन तीसरे चरण के मतदान में बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी की खटिया खड़ी कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ने कर दी है। आपके क्षेत्र में दोस्तों कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर आने वाली और कौन सी पार्टी आपके ज़िले में जीत रही है, आप हमें कमेंट में बताएं और उस ज़िले का नाम भी लिखें कि जिस ज़िले में आप रहते हैं और वहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी कौन है, वहाँ से बीजेपी जीत रही है या नहीं जीत रही है, हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। तीसरे चरण के चुनाव में मतदान से पहले भाजपा के लिए झटका। तीसरे चरण की 95 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की आंधी, मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। जदोसा आपको बता दें कि देश में दो चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और इस दो चरण के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की आंधी चली। वहीं आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि उसको काफ़ी अच्छी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अब उसकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान से पहले ही अब इन तीसरे चरण के मतदान की सभी सीटों का सर्वे आ गया है। इस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी लगभग 80% सीटें हार रही है, जबकि बाकी सभी सीटों पर
कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर रहा है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान में 95 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ये वोटिंग 7 मई को होने वाली है। 7 मई में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को लगभग 60 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में लगभग 17 से 18 सीटें ही 95 लोकसभा सीटों में से जा रही है। यानी बीजेपी की साफ जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि 1352 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं। इस फेज में बीजेपी के 82 प्रत्याशी मैदान में हैं तो कांग्रेस पार्टी के 68 कैंडिडेट हैं। इसके अलावा बसपा के 80 और सपा के 9 उम्मीदवार हैं। 650 निर्दलीय प्रत्याशी हैं तो 404 अन्य दलों के कैंडिडेट हैं। आपको बताएं दोस्तों कि 82 प्रत्याशी बीजेपी ने जो उतारे हैं उनमें से मात्र 17 से 18 ही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ने 68 कैंडिडेट उतारे हैं। इनमें से 60 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लगभग 5 से 6 उम्मीदवार जीत रहे हैं। यानी आपको बता दें कि कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है वो तीसरे चरण में बाजी मार रहा है और बीजेपी तीसरे चरण में मुंह की खात हुई दिख रही है। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी के नेता 400 पार का जो नारा दे रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह भी 400 पार का नारा दे रहे थे, अब बीजेपी ने 2 चरणों के चुनाव मतदान को देखते हुए 400 का नारा देना भी खत्म कर दिया। यानी अब बीजेपी को उम्मीद दिखने लगी है कि वो 200 पार नहीं हो पाएगी, 400 के तो वो खा भी छोड़ दे। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जो है चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है उसके आंकड़े जारी किए हैं। उसके आंकड़े एक हफ्ते के बाद जारी करने के बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सांठगांठ का आरोप लगा दिया है और कह दिया है कि चुनाव आयोग ने 8 दिनों के मतदान होने के बाद आखिरकार चुनाव के नतीजे क्यों जारी किए कि कितनी प्रतिशत मतदान हुआ है, तभी क्यों जारी नहीं किए जब वोटिंग हुई थी। यानी अब चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है और बीजेपी से चुनाव आयोग की मिलीभगत है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी सहित विपक्ष के नेता ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं। यानी ईवीएम को लेकर भी भाजपा गिरी हुई है। आपको बताएं दोस्तों कि 2 चरणों में जो मतदान हुआ है उन 2 चरणों के मतदान में कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा। यानी 2 चरणों में कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसने काफ़ी अच्छी सीटें और मतदान अपने हिस्से में लिया है, जबकि बीजेपी का 2 चरणों में हाल बुरा रहा है और अब ये तीसरे चरण में बीजेपी का हाल फिर से बुरा होने वाला है और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन तीसरे चरण के मतदान में बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी की खटिया खड़ी कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ने कर दी है। आपके क्षेत्र में दोस्तों कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर आने वाली और कौन सी पार्टी आपके ज़िले में जीत रही है आप हमें कमेंट में बताएं और उस ज़िले का नाम भी लिखें कि जिस ज़िले में आप रहते हैं और वहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी कौन है, वहाँ से बीजेपी जीत रही है या नहीं जीत रही है हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। तीसरे चरण के चुनाव में मतदान से पहले भाजपा के लिए झटका। तीसरे चरण की 95 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की आंधी, मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश में 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और इस 2 चरण के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की आंधी चली। वहीं आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि उसको काफ़ी अच्छी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अब उसकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान से पहले ही अब इन तीसरे चरण के मतदान की सभी सीटों का सर्वे आ गया है। इस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी लगभग 80% सीटें हार रही है, जबकि बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर रहा है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान में 95 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ये वोटिंग 7 मई को होने वाली है। 7 मई में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को लगभग 60 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में लगभग 17 से 18 सीटें ही 95 लोकसभा सीटों में से जा रही है। यानी बीजेपी की साफ जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि 1352 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं। इस फेज में बीजेपी के 82 प्रत्याशी मैदान में हैं तो कांग्रेस पार्टी के 68 कैंडिडेट हैं। इसके अलावा बसपा के 80 और सपा के 9 उम्मीदवार हैं। 650 निर्दलीय प्रत्याशी हैं तो 404 अन्य दलों के कैंडिडेट हैं।
आपको बताएं दोस्तों कि 82 प्रत्याशी बीजेपी ने जो उतारे हैं उनमें से मात्र 17 से 18 ही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ने 68 कैंडिडेट उतारे हैं, इनमें से 60 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं।